अदम एतमाद की तहरीक ने जरदारी हाउस में एक और बड़ी मुलाकात करवा दी है। चौधरी शुजात हुसैन और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात जारी है। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदा असलम खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। असलम खोकर, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा था कि चौधरी शुजात हुसैन ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और आज आसिफ अली जरदारी से वो मिलने के लिए पहुँचे हैं। अपोजिशन के थोड़ा सा करीब नज़र आ रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन। जी बिल्कुल, यही सूरत हाल बन रही। जब से तरीके अदम अतमाद का मामला चला है तो चौधरी शुजात को भी हमने देखा, जिनके पास वजीर अजम इमरान खान भी चल कर गए थे मुलाकात करने के लिए और अपोजिशन के रहनुमा भी गए थे, तो वो कल से जो है मुलाकातें करें। कल जो है वो फजल रहमान से मुलाकात हुई, तो आज आसिफ अली जरदारी से इस वक्त मुलाकात के लिए वो यहाँ जरदारी हाउस में पहुंचे। मैं आपको बताता चलूँ कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुंचे थे। मुलाकात में इस वक्त आसिफ अली जरदारी मौजूद है, उसके अलावा वफाकी वजीर बशीर मौजूद है यहाँ पे, और इसके साथ साथ चौधरी सालिक जो है वो भी मौजूद है। बिलावल जरदारी भी यहाँ पे जो है मौजूद है। आज खासतौर पर जो आसिफ अली जरदारी से बात होनी है वो नंबर गेम के हवाले से बात होनी है, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, और इसके साथ साथ अपोजिशन जो है वो हुकूमती इतिहादी और नारा अरकान से जो मुसलसल रबते में थी ये उसी का हिस्सा है। इस वक्त जो मुलाकात जारी और खास तौर पर तहरीक अदम एतमाद जो वजीर अजम के खिलाफ लई जा रही है अपोजिशन की, उसके हवाले से ये बहुत अहम मीटिंग है, क्योंकि चौधरी शुजात जो है वो जो हुकूमत है उसकी इतिहादी है, इतिहादी जमात, तो उस हवाले से इस जो मुलाकात को है वो काफी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि कल जो फजल रहमान से भी मुलाकात हुई और आज आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई, तो अभी मुलाकात का जो सिलसिला जारी है तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए इनकी मुलाकात जो है वो। सही, 20 से 25 मिनट हो गए हैं ये मुलाकात जारी है। असलम खोकर, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका और एक बार